अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम है करुणा, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज चैनल। आप सभी का एसएम न्यूज पर स्वागत है। मोदी सरकार बनने के बाद आया एक बड़ा फैसला, अब मिलेगा 10% सवर्णों को पूर्ण रूप से आरक्षण। हम आपको बता दें कि अभी तक बहुजन समाज के लोगों को भी नहीं मिला है पूर्ण रूप से आरक्षण, लेकिन मोदी सरकार ने जारी कर दिया है तुगल की फरमान, जिसकी वजह से आ सकती है बहुजन समाज के लोगों की नौकरियों में परेशानियां। दिल्ली में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू। दिल्ली में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण बृहस्पतिवार से लागू हो गया। दिल्ली के मंडलायुक्त राजीव वर्मा ने इसके मंगलवार शाम आदेश जारी कर दिया था, जिन्हें राजस्व विभाग के वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है। अब सामान्य वर्ग के लोगों, नौकरियों से लेकर बच्चों के दाखिले आदि में दिल्ली में भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस समय दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिला कराने के आय प्रमाण पत्र के नहीं बनने से सामान्य वर्ग के बच्चों और उनके अभिभावक परेशान थे, मगर उन्हें इसके लिए सभी SDM इस योजना के तहत आय प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे। इसे लागू करने के लिए राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि इसे लागू करने में हुई देरी के चलते बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल सके। हालांकि 28 मई को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सेवाएं विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक परिपत्र में दिल्ली सरकार के सभी विभागों और अन्य इकाइयों को कोटा एक प्रावधान का पालन करने को कहा गया था। इस परिपत्र में कहा गया है कि इसका अनुपालन सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और दिल्ली सरकार की स्वायत्त इकाइयों को करना है। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की घोषणा के बाद आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का समर्थन किया था। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।